नमस्ते। कल मेरे घर मेरा कॉलेज का दोस्त सरदार अवतार सिंह आया और बोला, जागृति मैं कनाडा जा रहा हूँ। मैंने पूछा, ये पंजाबियों में कनाडा जाने का क्या क्रेज है? वो बोला, वहाँ पर मुझे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और इसी के साथ मुझे 1905 में पंजाब की सिचुएशन याद आ गई, जहाँ पर रिप्रेसिव ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण वहाँ के लोग बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए कनाडा की तरफ मूव कर रहे थे। और इसी इमिग्रेशन पे रोक लगाने के लिए कनेडियन अथॉरिटीज ने एक लॉ पास किया, जिसके तहत यदि आप डायरेक्टली इंडिया से कनाडा पहुँच रहे हैं तो आपको एंट्री मिलेगी, और आप इनडायरेक्टली कहीं और से कनाडा पहुँच रहे हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में टांग अड़ा दी और कुछ भारतीयों को अलाउ कर दिया जो कि डायरेक्टली कनाडा नहीं पहुंचे थे। इसी डिसीजन के तहत सिंगापुर के गुरदीप सिंह संधू ने कोमाघाटा मारो जापनीज शिप हायर की और अप्रैल 4, 1914 को हांगकांग से निकल दिए। इन्होंने ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया से ब्रिटिश इंडियंस को लेते हुए मई 23, 1914 को वैंकूवर पहुंचे। वैंकूवर पहुंच तो गए, पर कनेडियन अथॉरिटीज ने इनको एंट्री मना कर दी और ये लोग 2 महीने तक शिप में ही एंट्री के लिए इंतज़ार करते रहे। और वहीं वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज़ हो चुका था और इनको यहाँ से कलकत्ता की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया गया। ये लोग सितंबर 1914 को कलकत्ता पहुँचे, जहाँ पर ब्रिटिशर्स इनके स्वागत के लिए तैयार खड़े थे, क्योंकि इनको पता था कि इस शिप में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वाले लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने उन्हें कहा कि आप यहाँ से डायरेक्टली पंजाब की ट्रेन पकड़िए और पंजाब पहुँच जाइए, पर इस ऑर्डर को उन लोगों ने मानने से मना कर दिया। और उन पर हुई गोलाबारी में कुछ लोग मर गए, कुछ को सजा हुई और कुछ वहां से निकलने में कामयाब हो गए। और इस तरह वर्ल्ड वॉर 1 और कोमाघाटा मारो इंसिडेंट की 2 चिंगारियों ने गदराइट्स के बीच भड़क रही आज़ादी की आंख को ज्वालामुखी में बदल दिया। इस ज्वालामुखी के उद्गम स्थान से पहले की गतिविधियां देख लेते हैं, जो कि प्री गदर एक्टिविटीज हैं, जिसके तहत रामनाथ पुरी जी ने इशू किया सर्कुलर ए आज़ादी, तारकनाथ दास जी ने फ्री हिंदुस्तान जर्नल की शुरुआत की, और वहीं जीटी कुमार जी ने वैंकूवर में स्वदेश सेवक होम की स्थापना की, जो कि इंडिया हाउस से प्रेरित था। इन्होंने गुरुमुखी पेपर स्वदेश सेवक भी चलाया, जिसके तहत ये लोग सोशल इकोनॉमिक और रिलीजियस रिफॉर्म की बात करते थे। जब कनाडियन अथॉरिटीज को इन गतिविधियों की भनक लगी तो तारकनाथ दास और जीडी कुमार जी ने अपना सेंटर वैंकूवर से सियाटल शिफ्ट कर लिया 1910 में, और वहाँ पर इन दोनों ने मिलकर यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना करी, जो कि 1909 में लंदन इंडिया हाउस पर हुए क्रैकडाउन के बाद न्यू सेंटर इमर्ज होकर उभरा। वहीं 1911 में लाला हरदयाल कैलिफोर्निया आ पहुँचे और 1912 में भारत में राज बिहारी बोस द्वारा वायसराय हार्डिंग पर अटैक को प्रेस करते हुए इन्होंने युगांतर सर्कुलर में लिखा, पगड़ी संभाल मीरा, जिसके तहत इन्होंने ब्रिटिशर्स को अपनी पगड़ी संभालने के लिए चेतावनी दी। और इस तरीके से लाला हरदयाल अमेरिका और कनाडा में प्रेजेंट इंटेलेक्चुअल्स और पीजेंट्स के बीच एक ब्रिज स्थापित हुए, जिसके तहत 1913 में इन्होंने पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की, और जिसकी वर्किंग कमेटी ने एक वीकली न्यूज़पेपर इन द नेम ऑफ द गदर को स्टार्ट करने की डिसीजन लिया, और इन्होंने युगांतर सर्कुलर को ही द गदर नाम से वीकली पब्लिश किया। और द गदर ने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की प्रेरणा का गदर मचा दिया, और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में खोला। और इन गतिविधियों के तहत ही लाला हरदयाल को 1914 में अरेस्ट कर लिया गया, और जब वो रिलीज हुए उसके बाद वो
अपना रोल प्ले करेंगे बर्लिन कमेटी की स्थापना में। अब आ जाइए फ्लैशबैक से वर्ल्ड वॉर की दुनिया में, जहां पर गदी राइट्स ने अपना मूवमेंट सैन फ्रांसिस्को से भारत की तरफ कर दिया है, भारत माता की आज़ादी के लिए। लेकिन वहां पर ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं उनकी गतिविधियों की भनक होते हुए उनको आते ही गिरफ्तार कर लिया गया, और जो लोग बचे वो जब पंजाब गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि लोकल पॉपुलेशन उनके इस उद्देश्य में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तब अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए उन्होंने रास बिहारी बोस को कांटेक्ट किया, क्योंकि वो गदराइट्स के बीच वायसराय हार्डिंग के अटैक के बाद काफ़ी फेमस थे, और उनकी लीडरशिप में फिरोजपुर, रावलपिंडी और लाहौर आर्मी यूनिट में रिवोल्ट के लिए 21 फरवरी 1915 तारीख सेट कर दी गई। लेकिन कृपाल सिंह ने इस प्लॉट की जानकारी पंजाब सीआईडी को दे दी, और जिसके तहत फिरोजपुर, रावलपिंडी और लाहौर के आर्मी को डिस्पर्स और डिसआर्म कर दिया गया, और एक तरीके से ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने से पहले ही खत्म होता हुआ नजर आया। लेकिन जो लोग अभी भी बचे हुए थे उनमें से पिंगले जी ने मेरठ में और सरगोधा में करतार सिंह सराभा और हरमान और जगत सिंह जैसे उनके साथियों ने एक लास्ट ट्राई किया फॉर मेकिंग दिस रिवोल्ट सक्सेसफुल, लेकिन उनको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत पकड़ लिया गया, और 19 साल की यंग उम्र में करतार सिंह सराभा अपनी देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, और रास बिहारी बोस जापान चले गए। भले ही ये प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा, पर इन वीरों के शहादत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के बीच आज़ादी के लिए प्रेरणा भर दी। इन वीरों की संथांजलि के लिए है ये गीत। ए मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। वंदे मातरम।